वेलकम टू एनिमल्स वैली। नाजरीन, क्या आप ऐसा जानवर को जानते हैं जिसके फुजले से कॉफी तैयार की जाती है? क्या आपको ऐसे जानवर का पता है जो इंसानों से शर्माता है? अगर नहीं पता तो देखिए इस वीडियो को। मगर उससे पहले मैं आने वाले तमाम मुअज्जज़ नाज़रीन से दरख्वास्त है कि एनिमल्स वैली को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को जरूर दबा दें। नाज़रीन, आप जरा इस जानवर को देखिए। इसका नाम है किविट कैट। इसे हम मुश्क बिलाओं के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत अजीबो गरीब और नेवले की तरह का जानवर है। ये पुर इसरार और अजीबो गरीब जानवर अक्सर फलों के दरख्तों के दौरान अपनी गजा और खुराक हासिल करने के लिए मंडलाता नजर आता है। माहिरीन के मुताबिक ये इंतहाई शर्मीला और इंसानों से दूर रहने वाला जानवर है। ये बहुत कम इंसानों पर हमलावर होता है। ये जानवर तकरीबन जनूबी मशरकी एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। पाकिस्तान में ये बहुत ही नायाब नस्ल है। ज्यादातर घने जंगलात में इंसानों के बीच से दूर के इलाकों में पाया जाता है। ये गोश्त और फल खाता है, इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बशर्तिया के इंसान इसको तंग न करें। पाकिस्तान में ये दरियाओं के करीब मौजूद घने जंगलों में पाए जाते हैं और जोड़ों की सूरत में रहते हैं। दरिया रावी, दरिया सिंध, दरिया चनाब और शुमाली इलाका जात, लाहौर और एबटाबाद के इर्द गिर्द के जंगलात में मौजूद होने की इत्तलात है। पाकिस्तान में इनकी आबादी बहुत ही कम है। ये अक्सर रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। ये ज्यादातर रात को बाहर निकलते हैं। दिन में ये जमीन के नीचे सुराख बनाकर छुपे रहते हैं। इस जानवर की तकरीबन 35 मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिनकी रंगत और जिस्म पर मौजूद धारियां या धब्बे भी मुख्तलिफ होते हैं। इस जानवर का जिस्म लंबा, पांव और कान निस्बतन छोटे होते हैं। ये जानवर एशिया और अफ्रीका के घने और नीम जंगल ज़दा इलाकों में देखने को मिलता है। इसकी कुछ इकसाम जनूबी यूरोप के नीम जंगलों में भी पाई जाती है। पाकिस्तान में भी ये अनोखा जानवर मौजूद है। ये आम और जामुन के दरख्तों के पास अपना घर बनाकर रहता है। ये रात का शिकारी है और आमतौर पर दिन को बाहर नहीं निकलता। ये शिकार के लिए भी अकेले ही निकलता है। फल और गोश्त दोनों इसकी मरगूब गजाएं हैं। जबकि बहुत सारे बीजदार फल मसलन आम, जामुन, चेरी वगैरह भी खाता है। इसके अलावा छोटे सांप, कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकलियां भी खाता है। फिलीपाइन, थाईलैंड और इंडोनेशिया वगैरह खित्ता इस्तवा के ममालिक जहां घने जंगलात मौजूद हैं, उनमें इस जानवर की एक नस्ल पाई जाती है। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत ही नहीं बल्कि कराहत का एहसास होगा कि दुनिया के कई ममालिक में नेवले नुमा जानवर के फजले से तैयार करदा कॉफी बहुत शौक से लोग पीते हैं। ये वही नस्ल है जिसके फजले से काफी तैयार की जाती है। मुश्क बिलाओ खसूसन चेरी फल खाता है और इसे बीज समेत हड़प कर लेता है, जिन्हें इसका निजाम एंजाम खारिज कर देता है और फिर यही फजला सुखाने के बाद इसमें से बीजों को अलग करके इनसे कॉफी बनाई जाती है। खवातीन हजरात, आपको ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? एनिमल वैली को बताइए ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।